इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की खबरें मैं आपको बता दूं कि हरदा जिले के हंडिया नर्मदा रेत खदान में खदान ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से पोकलेन मशीन से रेत निकाली जा रही है। वहीं इस संबंध में ग्रामीण द्वारा कई बार विरोध करने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होना भी अनेक सवालों को जन्म दे रहा है। वहीं ग्रीन ट्यूमर द्वारा बनाए गए नियमों को भी ताक में रखकर उल्लंघन किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। स्मरण रहे कि कोरोना काल में जहां मजदूरों को दो वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, रेत खदानों में भी ठेकेदार द्वारा मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है, जिससे मजदूरी नहीं मिलने से उनके सामने भूखे मरने की नौबत खड़ी हो गई है। उधर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अब कोई भी माफिया हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन बरसों बीत जाने के बाद भी निरंतर माँ नर्मदा का अंचल तार तार हो गया है। इन रेत माफियाओं पर अभी तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि खुलेआम नर्मदा रेत खदानों से मशीनों द्वारा रेत का उत्खनन परिवहन निरंतर जारी है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही सामने हो रहे अवैध उत्खनन में चल रही मशीनों को बंद कराने एवं ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है।